चलिए रेडी है सभी? रेडी स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि कदाचित इतिहास में आज यह पहला मौका और अवसर है जब शासकीय पक्ष के सदस्य ने माननीय राज्यपाल के भाषण में बाधा पहुंचाई और उनकी गरिमा का अपमान किया। विधानसभा की मर्यादा भंग की यह अच्छी बात नहीं हो सकती सभापति जी, इसलिए मेरा सुझाव है कि सदन के नेता को उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन इस सदन में उपस्थित करना चाहिए। जब विधि मंत्री ने कहा कि अब यह प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता, जिस वक्त घटना घटी थी जब हो सकता था और उसी समय आपको यह प्रश्न उठाना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं आपकी बात का विरोध कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप भी जानते हैं कि अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, क्योंकि विरोधी पक्ष के लोग अपनी मर्यादाओं को समझते हैं। यदि इस समय विपक्ष की तरफ से आवाज़ उठती तो अवश्य राज्यपाल महोदय का अपमान हुआ होता, अतः उस समय हमारा चुप रहना सबके लिए अच्छा था। लेकिन मैं विधि मंत्री जी के इस कथन से असहमत हूँ। उस स्थिति में एक हंगामा और पैदा हो जाता अगर हम आपत्ति करते, इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए हमने मौन रखा, पसंद किया और पहले से पहले अवसर पर जल्दी से जल्दी बोलने का मौका लिया, ताकि उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जा सके। मेरे मत के मुताबिक सदन की मर्यादा भंग हुई है, इस कारण सदन के नेता का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस संबंध में उचित और आवश्यक कार्रवाई करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। श्रीमान जी, अभी हाल ही में हमारे जो आदरणीय सदस्य द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाकर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आगे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा और बताया भी कि अगर प्रिविलेज बनता तो मैं इस पर आवश्यक रूप से विचार करता, परंतु मैं अभी आपको इस संबंध में कोई वचन नहीं दे सकता कि बनता है या नहीं। जिस समय सदन के नेता के सामने जो घटना घटित हुई थी तो सदन के नेता को अपना फर्ज समझते हुए इस पर जरूर खेद
व्यक्त करना चाहिए, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुझसे बार बार खेद प्रकट करने की बात कही जा रही है, तो मैं एक बार नहीं अनेक बार खेद व्यक्त करता हूँ। ब्रह्म